हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है वीकेवी ब्लॉग्स में। हम आज टूर करेंगे बैरिया से बलिया। इसमें आपको दिखाएंगे इसमें क्या क्या है, इसके बीच में क्या क्या, कौन से गांव पड़ते हैं, कौन से जगह पड़ता है, और रोड्स के बारे में बताएंगे कि कैसे ट्रिप किया जाता है। एक्चुअली बैरिया से बलिया 36 किलोमीटर है, मतलब 36 किलोमीटर के आसपास है। तो आज मैं बैरिया का कुछ मार्केट दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे आपको। अब हम आ गए हैं माझी स्टैंड के पास, जो कि बैरिया में है। और बैरिया में जो माझी स्टैंड है उसके सामने भारती सदन इंग्लिश मीडियम स्कूल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके साइड में काली जी का मंदिर है, जो कि बहुत पुराना मंदिर है। और यहीं पे माझी स्टैंड बनाया गया था, बहुत पुराना ही जमाने का है काली जी का मंदिर यहाँ पर। और इसके आगे थोड़ा जाते हैं तो देखिए यहाँ पर भोजपुर का रोड है, जो कि इसमें आपको ओरिएंटल बैंक देखने को मिल जाएगा आगे चल के। और यहाँ पर राइट साइड में देखिए यहाँ पर ये मिठाई की दुकान है, काफ़ी मिठाई की दुकान है, बहुत पुराने ये मिठाई की दुकान है यहाँ पे बैरिया में। और इसके जस्ट साइड में एक हनुमान जी का मंदिर है, ये भी काफ़ी पुराना मंदिर है यहाँ का। और यहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद यहाँ पे एक तीन मुहानी पड़ता है, और तीन मुहानी से जो राइट साइड में रोड जा रहा है, यहाँ से राइट साइड में जो रोड जा रहा है ये रानीगंज और सुरेमनपुर चल जाता है, सुरेमनपुर स्टेशन के पास, जो कि ये मनीर सिंह की मूर्ति के जस्ट सामने ही है जो रोड बनाया गया है। और ये रोड सामने ही सीधे चल जाता है, आप रानीगंज जा सकते हैं और सुरेमपुर स्टेशन। रानीगंज यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है और सुरेमपुर यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। और थोड़ा आगे जाने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक टेम्पो स्टैंड, जो कि वहाँ से रानीगंज और सुरेमपुर जा सकते हैं स्टेशन पर। ये देखिए टेम्पो स्टैंड है, जो कि ये टेम्पो स्टैंड है जो कि बलिया वाले रूट में है। और बेरी से बलिया में जाते हैं ना, तो वहाँ पर आपको 15 मिनट के आसपास यहाँ पर टेम्पो से जा सकते हैं गाँव में। ये जीप स्टैंड है जो कि बलिया तक आपको लेके जाएगा जीप यहाँ से। ये जीप स्टैंड यहाँ पे बनाया गया है, टेम्पो स्टैंड के जस्ट राइट में है ये जीप स्टैंड, जो कि आपको सीधे डायरेक्टली बलिया तक ले जाएगा। इसी रोड से बलिया तक ले जाएगा, जिस रोड से हम जाएंगे उसी रोड से आपको बलिया तक ले जाएगा। देखिए इस रोड में काफ़ी धूल उड़ता है, तो आप काफ़ी ध्यान दे के चलाएँगे गाड़ी तो सही है, नहीं तो यहाँ पर बहुत धूल उड़ता है, तो मास्क लगा लीजिए। देखिए रोड में ट्रिपलिंग ब्रेक है, तो ट्रिपली ब्रेकर वाला भी रोड भी यहाँ पर टूटा फूटा पड़ा है, तो ध्यान देके चलाना पड़ता है। इसमें धूल भी उड़ता है। ये रोड चल जाता है लालगंज, ये देराजबरम मोड़ है, तो यहाँ से आप लालगंज जा सकते हैं। और ये सीधे रोड चल जाता है बलिया की तरफ, तो हम चलते हैं बलिया यहाँ से। और देखिए यहाँ पे रोड भी काफ़ी ख़राब है, टूटा फूटा रोड है। देखिए आपको आगे चल के दिखाता हूँ, देखिए काफ़ी टूटा फूटा रोड है, तो ध्यान दे के गाड़ी चलाइएगा। और यहाँ पर यहाँ तक तो ट्रक आती है, इसलिए काफ़ी टूटा फूटा रोड आपको देखने को मिल जाएगा। और चिरैया मोड़ से तो बहुत ही ज़्यादा आपको रश मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रक वगैरह यहीं से जाती हैं, यहाँ से स्प्लिट हो जाती हैं, मतलब चिरैया मोड़ आते ही ट्रक राइट साइड में चली जाएंगी और लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पे काफ़ी गड्ढा है। और हम अब चिरैया मोड़ पहुँचने वाले हैं, देखिए गड्ढे गड्ढे रोड हैं, तो काफ़ी आपको रात में तो बहुत दिक्कत आती है यहाँ पर चलाने में, और ट्रक वाले को भी बहुत दिक्कत आती है चलाने में इस रोड पर। ये NH 31 रोड है, जो कि सीधे डायरेक्टली आपको मिल जाता है बलिया की तरफ। कि हम चिरैया मोड़ पहुँच गए, और चिरैया मोड़ से जो लेफ्ट में जाएगा रोड हम उसमें चले जाएंगे, उसमें बलिया जाता है, और राइट साइड में बलिया जाता है, बट यहाँ से दूर पड़ता है। और राइट साइड में यहाँ से ट्रक के पास होती है, देखिए यहाँ पे बैरिंग लगाया गया है, तो उधर से ट्रक पास हो जाती है और इधर से हम लोग चले जाते हैं बलिया। यहाँ से जीप वगैरह आपको भी यहीं से जाने को मिलेगा, और उधर से ट्रक और बड़ी गाड़ियाँ जाती हैं, यहाँ से नॉर्मल गाड़ियाँ जाती हैं। देखिए ये भी ब्रेकर है। और चलिए हम आगे चलते हैं, यहाँ से पहला जो आएगा आपका पेट्रोल पंप, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, हम आगे चल कर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे रोड भी काफ़ी टूटा पड़ा है, हम इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास पहुँच गए हैं। यहाँ पे पहला पेट्रोल पंप बैरी से बल्ली की तरफ जाने पे पड़ता है, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप यहाँ पे पड़ता है, यहाँ से आप भरवा सकते हैं पेट्रोल और डीजल दोनों यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे देखिए काफ़ी रोड टूटा फूटा पड़ा है, तो काफ़ी ध्यान देकर गाड़ी चलाना पड़ता है, और रात में तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो आप कृपया ध्यान दे के बाइक चलाएं और ज़्यादा तेज़ इस रोड में ना चलाएं। ये टेंग रही, तो फ्रेंड्स हम लोग तो धीरे धीरे चला रहे हैं और फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखा रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि फास्ट गाड़ी चल रही है, बट फास्ट नहीं है ये, काफ़ी धीरे ही चला रहे हैं हम लोग। और ये फास्ट फॉरवर्ड में आपको वीडियो दिखाया जा रहा है, तो आपको लग रहा है कि फास्ट गाड़ी चल रही है। अब हम आ गए हैं पांडेपुर के आसपास, यहाँ पे ये पांडेपुर गांव पूरा बाढ़ से डूबा पड़ा था, यहाँ तक पूरा गांव पूरा डूबा पड़ा था। और देखिए हम पांडेपुर पहुँच गए हैं, यहाँ से आप लेफ्ट साइड में जाएंगे तो पांडेपुर से आप गांव में जा सकते हैं, पांडेपुर गांव में जा सकते हैं आप, और यहाँ से आप जा सकते हैं पांडेपुर सीधे। यहाँ पर देखिए यहाँ से पूरा बाढ़ से ग्रसित था ये गाँव, और पूरा पानी भरा पड़ा था इसमें। देखिए यहाँ पर भी रोड काफ़ी टूटा फूटा पड़ा, ये काफ़ी बड़ा गड्ढा था,
तो काफ़ी ध्यान देके गाड़ी चलाना पड़ता है। तो चलिए आगे चलते हैं और भी सारी चीज़ें दिखाएंगे। और बाहर से लोग भी काफ़ी रोड पे आ गए थे, तो वो भी आगे चल के आपको दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे जो बाढ़ है अभी तक गया नहीं है, तो लोग रोड पे ही आके अभी तक रह रहे हैं। देखिए लेफ्ट साइड जिस रोड पांडेपुर सीधे चला जाता है, ये भी पहाड़ से पूरा ग्रसित था, तो मैं जो लेफ्ट साइड में रोड लिखा हूँ पूरा चल जाता है पांडेपुर। ये देखिए मच्छी बिक रहा है, ये हम दया छपरा पहुँच गए। यहाँ का गांव है दया छपरा के नाम से जानते हैं, ये काफ़ी बड़ा गांव है। और यहाँ से ये रोड दल छपरा की तरफ चल जाएगा, यहाँ से पूरा चल जा आगे जाएंगे दल छपरा जो हमालपुर वगैरह चल जाता है ये रोड। ये हम दया छपरा के गाँव में है, यहाँ से ये काफ़ी बड़ा गाँव है यहाँ पर। तो इस रोड में आपको मिल जाएगा, बैरियर से 5 किलोमीटर की दूरी पड़ता है, तो 5 किलोमीटर की दूरी पे आएंगे तो यहाँ पे दया छपरा आपको देखने को मिल जाएगा। अब जल्दी आगे चलते हैं। और देखिए यहाँ पे आपको बाढ़ से ग्रसित लोग जो हैं, जो कि रोड पे आके रह रहे हैं, जो कि इनके पीछे जो गाँव है वहाँ पर ये रहते थे। यहाँ पर बाढ़ से पूरा ढका हुआ था, पूरा पानी था वहाँ पर, तो ये रोड पर आके रह रहे हैं और ये काफ़ी दिन से रह रहे हैं, 1 महीने से ऊपर हो गया यहाँ पे रह रहे हैं। देखिए आगे चल के हम दिखाते हैं आपको, बहुत सारे लोग हैं। और ये अभी हम दूबे छपरा पहुँचने वाले हैं, जो कि यहाँ का ही जो बांध था, बहुत बड़ा बांध था, वो टूट गया था, तो लोग पूरा पानी से भर गए थे, उनके घर में पानी भर गया था। ये दूबे छपरा का गाँव है, इसके पीछे वहाँ पर आपको बांध देखने को मिल जाएगा। और ये बहुत बड़ा बांध था वो, जो कि टूट गया था, तो पूरा पानी यहाँ से लेके पूरा भर गया था पांडेपुर के आसपास तक। ये देखिए हम पूरे गांव के लोग यहाँ पे आके रह रहे हैं। ये इंटरमीडिएट कॉलेज है यहाँ पे, देखिए पीछे की तरफ ये भी पूरा भर गया था, इसके पीछे ही बांध है, ये भी पूरा पानी से भर गया था, पूरा भर गया था ये। और ये देखिए लोग काफ़ी यहाँ पे आके रह रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए सुगर छपरा के पास, ये गांव सुगर छपरा के नाम से जाना जाता है। हम लोग रामगढ़ पहुंच गए, ये भी बहुत बड़ा गांव है यहाँ का, ये रामगढ़ बहुत बड़ा सा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे यहाँ की टिकरी बहुत अच्छी है, ये दुकान में दिखाऊंगा वहाँ पे टिकरी, क्योंकि रामगढ़ की टिकरी के नाम से जाना जाता है यहाँ पे। ये रामगढ़ भी बैरियर से जाते समय आपको बैरियर बलिया में रोड में मिलेगा, और बैरियर से 9 किलोमीटर की दूर पे है। टिकरी की दुकान है जो ये है हुकुम छपरा, ये शमशान घाट यहाँ का, ये पचरुखिया के पास पड़ता है शमशान घाट। ये पचरुखिया, ये पचरुखिया गांव की तरफ रोड जाता है। यहाँ पर देखिए हम पच्चीस के आस पास है, यहीं पर घाट है, यहाँ पर लोग आते हैं नहाने के लिए। रामगढ़ के जस्ट आगे मझौवा गांव, ये पानी पूरा पास में आ गया था एकदम, ये जो देख रहे हो यहाँ रोड के पास, यहाँ तक पानी आ गया था, ये पूरा पानी भरा पड़ा था यहाँ तक। मछली छोटी छोटी वाली मछली बहुत सारी है, बर्फ में लोग डालते हैं मछली। ये करैया गांव, अभी हम लोग पहुँचे हैं करैया गांव, इसको बोलते हैं। यहाँ से आपको दिख रहा होगा बलिया 20 किलोमीटर है, वो 85 किलोमीटर, गाजीपुर 101 किलोमीटर, और गोरखपुर यहाँ पे 178 किलोमीटर।
गांव के पास पड़ता है, और ये जब बैरी से बली जाते हैं तो हल्दी गांव से पहले ही इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप पड़ता है यहाँ। बैरी से जब बली की तरफ जाते हैं तो ये हल्दी, और यहाँ पे हल्दी थाना भी पड़ता है, तो आपको हल्दी थाना भी यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत ही बड़ा ये थाना है। यहाँ से आप इधर से बिहार की तरफ चले जाएंगे, ये वाला रोड जाता है बिहार की तरफ, अंदर घुस के ये वाला रोड राइट साइड से आपको रेवती चला जाएगा ये रोड। जस्ट हल्दी के आगे आपको ये टीवीएस का शोरूम दिख जाएगा, जो कि आकृति टीवीएस के नाम से जाना जाता है। ये अब हम पहुंच गए हल्दी थाना। ये हल्दी थाना है, हल्दी के जस्ट आगे ही है। हिंदू मार्केट, ये आसपास हिंदू मार्केट के पास हम लोग आ गए हैं।
और मैं इसका भी ब्लॉग बना के आपको दे दिया हूँ एक और वीडियो में, और मैं इसमें ब्लॉग बनाऊँगा। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई सुझाव है कि आपको इसमें ब्लॉग बनाना चाहिए हिंदू मार्केट पर, तो आप बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी बलिया स्टेशन पे आ गए हैं। ये गेट नंबर 2 है और वो गेट नंबर 1 है। चले जाएंगे जो बलिया हॉस्पिटल है, वहाँ पे सीधे बलिया हॉस्पिटल की तरफ जाता है रोड, सीधे चलाएगा बलिया जो ओवर ब्रिज है उसके पास चला जाएगा। तो फ्रेंड, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जब मैं अगला वीडियो लाऊंगा बलिया से बैरियर की तरफ में, और आपको बलिया के ब्लॉग देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।